बारिश के मौसम में ये जो पानी के वजह से मेरा जो कड़ी पत्ते का पेड़ है वो झुक जा रहा है। मैंने सोचा क्यों ना आज इसे एक सपोर्ट देके बांध दिया जाए, तो इसे बांध तो देते हैं। क्या है इससे ये सीधा रहेगा और झुकेगा भी? ऐसे कड़ी पत्ते से याद आया, एक साउथ इंडिया की बहुत ही फेमस डिश है, वो आपको बनाना सिखाते हैं, तो चलिए थोड़े कड़ी पत्ते भी ले चलते हैं। ये ले लिया मैंने कड़ी पत्ते, मिलते हैं किचन में। चैनल, मेरा नाम है निखिल और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपने देखा कैसे आज मैं जाके कड़ी पत्ते तोड़ के लेके आया। ये मेरे घर पे ही मैंने एक प्लांट लगाया था, पहले बहुत छोटा था, अभी बड़ा हो गया है और पानी की वजह से वो झुक जा रहा था। तो वहां से मुझे आइडिया आया कि क्यों ना आपको सिखाया जाए, आपको बताया जाए कैसे बनाते हैं घी रोस्ट। अब घी रोस्ट मोस्टली मसाला तो सेम होता है, बट उसके अंदर जाने वाला जो हीरो डिश होती है, जो हीरो उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है, तो वो चेंज होते रहता है। तो कोई चिकन डाल देता है तो चिकन घी रोस्ट हो जाता है, पनीर डाल दो पनीर घी रोस्ट हो जाएगा, वेजिटेबल्स डाल दो तो वेजिटेबल घी रोस्ट हो जाएगा। आज ऐसे ही मेरे पास मशरूम थे, तो मशरूम लेके आपको सिखाऊंगा कि मशरूम घी रोस्ट कैसे बनता है। तो कुछ ऐसी है इसकी तैयारी। ये जो कड़ी पत्ते में लाया था, ये दो दो जगह यूज होंगे, गार्निशिंग में भी यूज होंगे और स्टार्टिंग में भी यूज होगा। तो ये तो हो गए कड़ी पत्ते, साथ ही मशरूम्स है। आप अगर इसे चिकन के साथ बनाना चाहते हैं तो चिकन यूज़ कर सकते हैं, आप अगर पनीर यूज़ करना चाहते हैं तो पनीर यूज़ कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग का एक भुनने का स्टेप है इन मशरूम्स का, उन चीज़ों के हिसाब से वो टाइम बढ़ते जाएगा। जैसे अगर मशरूम में 5 मिनट रोस्ट कर रहा हो तो आपका पनीर होगा तो 5 से 7 मिनट, चिकन होगा तो 10 मिनट्स तक आपको उसे रोस्ट करना पड़ेगा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने मिनट तक किसको कितना रोस्ट करना। इसके अलावा इसके अंदर जो लाल कलर आती है वो यहाँ पे बेड़गी मिर्ची से आती है, तो मैंने कुछ बेड़गी मिर्ची ले ली, उन्हें मैंने गर्म पानी में सोख करके रख लिया, करीबन आधा घंटा ये सोख करके थे। तो इससे क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा और पीसते वक्त हमें आसानी हो जाएगी। अब जो रिचनेस और टेक्सचर हमें देना है वो काजू से आएगा, तो काजू को साथ ही में हम पीसेंगे चिलीज़ के साथ। यहाँ पे अदरक और लहसुन है, करीबन ये 8 से 10 छोटी कलियां हैं लहसुन की, और उतना ही सेम क्वांटिटी में मेरे पास अदरक है, 1:1 का रेशो रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास टैमरिंड का पल्प यानी इमली का पल्प है, तो इमली का पल्प से इसे एक टैंगी फ्लेवर आएगा। अगर आप इमली का पल्प ना यूज़ करना चाहें तो आप क्या करें, थोड़ा सा नींबू का रस यूज़ कर लें, तो उससे भी आपको टैंगी फ्लेवर आ जाएगा, बट इमली का एक अलग ही स्वाद आएगा। हल्की सी मिठास देने के लिए यहाँ पे गुड़ है, ये मेरे गाँव का गुड़ है, आपको जो नॉर्मल येलो वाला गुड़ मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पे जीरा है, ठीक है, वो राई है, यहाँ पे थोड़ी सी सौंफ है। अब इनकी क्वांटिटी कैसी है, सेम अमाउंट में जीरा राई, उतना ही सेम अमाउंट में सौंफ, तो ये 1.5 टीस्पून है, उतने ही सेम क्वांटिटी में। अब जो धनिया होगा वो इनका डबल होगा, तो धनिया डबल, दो चम्मच धनिया है। मेथी थोड़ी सी 1/2 टीस्पून के आसपास मैंने ली है, मेथी ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि ये कड़वा कर देगी ज़्यादा। और यहाँ पे जो इसकी हीट है, क्योंकि बेड़गी मिर्ची कलर देती है, तो हीट कहाँ से आएगी इसके अंदर, एक तीखापन कहाँ से आएगा, स्पाइसीनेस कहाँ से आएगा, वो है इसकी काली मिर्च से। तो काली मिर्च, थोड़े से लौंग और 3 इलायची के दाने, ठीक है। तो ये हो गया हमारी तैयारी। अब हम मसालों को रोस्ट कर लेंगे, रोस्ट करके उन्हें पीसना है, और इससे आपका घी रोस्ट का जो एक बेसिक मसाले की ग्रेवी है वो बन जाएगी। इसके अलावा आपको नमक स्वाद अनुसार लगेगा। तो दोस्तों मैंने एक कढ़ाई ले ली, आप कढ़ाई ले सकते हैं या नॉनस्टिक पैन ले सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है बनाने। गैस चालू कर देंगे, ये कर दी गैस चालू, ये जैसे गर्म हो जाए फिर इसके अंदर सारे ड्राई मसाले डालेंगे। इसे अभी ड्राई रोस्ट करना है, घी की इस समय ज़रूरत नहीं होगी, जब हम हमारे मशरूम्स को रोस्ट करेंगे उस टाइम पे हम डालेंगे घी को और उसमें रोस्ट करेंगे मशरूम्स को। तो अब मेरा पैन गर्म हो चुका है, तो इसमें गया ये जीरा, ये थोड़ी सी राई, मेथी के दाने, साबुत धनिया, थोड़ा सा सौंफ, लौंग, इलायची और काली मिर्च।
इसको हमें अच्छे से भून लेना है, भून के ठंडा कर लेना है। ठंडा करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो एसेंशियल्स ऑयल है वो उसी टाइम पे बाहर आएंगे। ठंडा करके ही आप पीसे, क्योंकि अगर आप इसे गर्म में ही डाल देंगे तो जब पीसेंगे उस टाइम पे जब ये मसाले एक दूसरे से इनकी घर्षण होती है या फ्रिक्शन जिसे इंग्लिश में कहते हैं वो होगा, उसकी वजह से ये वापस से हीट होना चालू होता है और फिर एसेंशियल ऑयल्स हमारे लॉस हो जाते हैं तो मसालों का फ्लेवर नहीं रहता उसके अंदर। तो इसके लिए आप इसे ठंडा करके फिर ही पीसें, और ये होने के बाद इसे एक मिक्सी के जार में ले लेंगे, फिर आपको बताएंगे कि क्या क्या उसके अंदर डाला। तो मैंने क्या किया कि एक अभी मिक्सी का जार ले लिया है, जैसे ये मसाले थे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया और उसे ठंडा कर लिया। अब ये मसाले सारे डाल देंगे जार के अंदर। आप चाहें तो इसे अलग से पीस ले, थोड़ा सा पाउडर बचा ले, मैं वो स्टेप नहीं करता क्योंकि वैसे भी ये सारे एक ही साथ पीसने वाले और एक ही साथ जाने वाले, तो मैं सब एक ही साथ पीस लेता हूँ। साथ ही में काजू है, ये काजू भी इसके अंदर डाल दिया। जो आपका अदरक लहसुन था उसे भी इसके अंदर डाल देना है पीसने में। अब ये मिर्ची थी, ये मिर्ची मैंने बेड़गी मिर्ची ली है। अगर आपको बेड़गी मिर्ची अवेलेबल नहीं होता तो आप क्या कीजिए, आप कश्मीरी लाल मिर्च ले लीजिए। कश्मीरी लाल मिर्च जो रेड कलर देती है वो सेम प्रोफाइल होता है जो हमारी बेड़गी का होता है, तो इन उन्हें भी आप ऐसे ही भिगा लीजिए। आपको अगर थोड़ा सा तीखापन या जो पंजेंट फ्लेवर होता है, जो एक कड़वाहट होती है और तीखाहट होती है, वो अगर आपको निकालनी है तो आप इसके बीज डिस्कार्ड कर दीजिए या जो बीज होते हैं इनको स्लिट करके निकाल लीजिए, उससे हो जाएगा। बट मैं वो नहीं कर रहा क्योंकि हल्का सा तीखापन मिर्ची का भी आना चाहिए। तो ये हो गया हमारे मसाले। अब इसके अंदर जो हम फ्लेवर ऐड करेंगे वो फ्लेवर कैसे ऐड होगा, आपको इसके अंदर डालना है थोड़े से गुड़। अगर आपका गुड़ हार्ड है तो उसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे पीसेस करके डाल दीजिएगा। थोड़ा ही गुड़ डालें, ज़्यादा मीठा नहीं करना, और थोड़ा सा टैमरिंड, करीबन 2 बड़े चम्मच थे डाल दिया टैमरिंड। अब इसे आपको पीस लेना है। अगर आपको पीसने में इसे दिक्कत हो रही है तो आप 2 से 3 चम्मच पानी डाल के इसे पीस सकते हैं। पीस के एक लाल कलर का पेस्ट यानी लाल रंग का पेस्ट बन जाएगा और वो होगा हमारा घी रोस्ट का मसाला। तो इसे पीस लेते हैं। तो दोस्तों अब ले लिया है मैंने वापस से वही कढ़ाई। अब आ गया है टाइम कि हम हमारे मशरूम्स को रोस्ट करें। तो मशरूम्स को रोस्ट करने के लिए आप पहले थोड़ा सा घी, ये ले लिया मैंने थोड़ा सा घी। घी मेरा फेवरेट चीज़ है, मैं हर चीज़ घी में बना सकता हूँ और घी के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो ये घी रोस्ट हमेशा आप देसी घी में बनाएं। बहुत लोग क्या ट्राई करते हैं कि पहले वो तेल डालते हैं, तेल में सारे मसाले भूनते हैं, ऊपर से घी डाल के घी की फ्लेवर देने की कोशिश करते हैं। वो मत कीजिए क्योंकि उसमें ऑथेंटिक टेस्ट नहीं आता घी रोस्ट का। तो और अगर आप इसके अंदर अभी अगर पनीर यूज़ कर रहे होते तो पनीर को आप इस घी में पहले फ्राई कर लेते, जैसे मैं मशरूम्स को अभी इसके अंदर थोड़ा सा रोस्ट करने वाला हूँ। या फिर अगर आप चिकन यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा मैरिनेटेड चिकन, मैरिनेशन में क्या यूज़ करेंगे आप, थोड़ा सा हल्दी लहसुन और अदरक का पेस्ट, बस उतना ही उसका मैरिनेशन करके आप इसके अंदर इसे रोस्ट कर लें तो चिकन घी रोस्ट का भी आपका हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल जब मेरा घी थोड़ा गर्म हो जाए, ठीक है, तो घी गर्म होते ही मैं इसके अंदर मशरूम्स डाल दूँगा और थोड़ी सी हल्दी डालूँगा ताकि जो मेरा कलर है जो रेड कलर होगा बाद में मशरूम्स के ऊपर वो उभर के आ जाए। और हल्दी डालने का फ़ायदा ये भी है कि वो एंटी बैक्टीरियल एंटीसेप्टिक के जैसा काम करता है, तो अगर मशरूम्स पे कुछ भी ग्रो हो रहा होगा तो वो निकल जाएगा। तो ये हो गया मेरा घी गरम, अब मैं डाल देता हूँ इसके अंदर मशरूम्स। मशरूम्स डालते हैं साथ ही थोड़ी सी हल्दी और इसे आप टॉस कर लीजिए। मशरूम्स में अभी यही समय पे मैं क्या करूँगा, थोड़ी सी सॉल्ट डाल दूँगा टॉस करते वक्त। इसे फुल पकाना नहीं है क्योंकि मशरूम्स बहुत जल्दी पक जाते हैं, तो आप अगर बहुत देर तक इसे पकाएंगे तो मशरूम्स अपने वाटर लॉस करने लगेंगे और फिर क्या होगा कि ये सिकुड़ जाएंगे, वो हमें नहीं चाहिए। तो और जैसे मैंने आपको बताया
मैं इन स्टेज पे मशरूम्स को निकाल लूँगा, पनीर होता तो उसे 5 से 6-7 मिनट तक मैं भूनता और चिकन को 10 से 15 मिनट तक भूनता और फिर मैंने मसाले डाल के वापस से चिकन को और भूनता। तो इसी तरीके से अलग अलग स्टाइल के आप घी रोस्ट बना सकते हैं। एक बोल में निकाल लें। अब जो घी लगा हुआ है इसमें आप चाहें तो और घी डाल सकते हैं या फिर इसी घी में काम कर लें। तो मैं 1 चम्मच और डाल दे रहा हूं। जैसे ही ये घी पिघलना चालू हो जाए अब हमारे मसालों को रोस्ट करने का समय आ जाएगा। मेरी घी पिघल चुकी है, अब इसके अंदर मसाले डालेंगे। तो मसाले पीस के कुछ ऐसे हुए हैं, अगर आपको एकदम फाइन पेस्ट चाहिए, कुछ भी हल्का सा भी कुछ भी बाइट ना है तो आप इसे छान सकते हैं। छानने से क्या होगा कि एकदम ही स्मूथ हो जाएगा, बट मुझे थोड़ा सा रस्टिक फील और थोड़ा सा जो बाइट आती है वो पसंद आता है, इसलिए मैं डायरेक्टली इसे डालूँगा। अब आपको इन मसालों को भी भूनना है, क्योंकि आपको जैसे याद होगा सिर्फ हमारे मसाले भुने हुए थे, जो गर्म मसाले हमने डाले थे, बाकी सारे कच्चे थे, तो हमें उन्हें भूनना है। जैसे आप भूनते जाएंगे वैसे ये इसका जो रंग है वो थोड़ा सा निखरते जाएगा और फिर आप इसके अंदर आपके मशरूम्स या फिर आप जो भी चीज़ इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे होंगे वो आप डाल सकते हैं। तो ऐसे ही इसे कम से कम भूनने में 5 मिनट तक लग जाएंगे, तो भून के फिर इसके अंदर मशरूम्स डालेंगे। दोस्तों इसे भूनते हुए मुझे करीबन 5 मिनट हो चुके हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं ऑयल हल्का सा सेपरेट होने लगा है और वो जो हमारा मसाला नीचे पहले लग रहा था अब वो नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑयल का एक लेयर बन चुका है। ठीक है, ऑयल यानी कि हमारा जो घी था वो सेपरेट हो चुका है। अब इसी समय क्या करूँगा, मैं थोड़े से कड़ी पत्ते जो मैं लाया था वो ऐसे डाल दूंगा। इसे भी आप 1 से 2 मिनट चला लें, कड़ी पत्तों का भी फ्लेवर आ जाए। 1 से 2 मिनट अब हो चुके हैं मेरे मसालों को भूनते हुए। अब इसमें बारी आ गई मशरूम डालने की। अगर आप पनीर वाला बना रहे थे तो पनीर भी सेपरेट करके बनाएं, बट अगर आप चिकन वाला बना रहे थे तो जब मसाले भून रहे थे पहले आप चिकन जब भूनेंगे उसी टाइम पे साथ में मसाले डाल दीजिए, तो दोनों एक साथ भून जाएंगे और फ्लेवर एक साथ दोनों का आएगा, दोनों एक साथ पकेंगे। तो चलिए अब मशरूम डाल देते हैं। अब मशरूम पकाते वक्त मैंने थोड़ा सा नमक डाला हुआ था, तो आप उसी हिसाब से नमक को एडजस्ट कीजिएगा, यही सही मौका है आपको नमक को एडजस्ट करने के लिए। और मशरूम की पानी नमक डालने की वजह से निकल जाती है, तो आप वो पानी को फेंकिएगा नहीं, वही इसके अंदर डाल दीजिए, तो आपकी ग्रेवी देखिए उससे ही एक्सटेंड हो जाएगी। तो अब हम थोड़ा सा नमक इसके अंदर डालेंगे और अब इसे भी आप भून लीजिए और मिक्स कर लीजिए। आपको इसे कम से कम 3 से 4 मिनट भून लेना है और आपका घी रोस्ट रेडी हो जाएगा। इसे फिर हम सर्व कर सकते हैं मलाबारी पराठा के साथ या फिर डोसा के साथ, या आपको नील डोसा खाना है या अप्पम खाना है उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो गार्निश करने के लिए इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और कड़ी पत्ता यूज़ करूँगा, थोड़ी सी धनिया यूज़ करूँगा। तो इसे प्लेट कहते हैं, आपको इसकी एक फ़ोटो भी दिखाते हैं और टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है। दोस्तों आपने देखा कैसे बनता है घी रोस्ट, ये मशरूम घी रोस्ट था। आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, वेजिटेबल घी रोस्ट या फिर पनीर घी रोस्ट, चिकन घी रोस्ट, जैसे आपकी मर्जी हो। इसे कैसे सर्व किया जाता है, तो इसे आप एक नीर डोसा जो आता है उसके साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसे अपम के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसे इडियपम्स के साथ सर्व कर सकते हैं। डोसा जो नॉर्मल घर पे बनाते हैं उसके साथ खाइए, या मलाबारी पराठा के साथ खाइए। ठीक है, तो आज मैं इसे मलाबारी पराठा के साथ खाने वाला हूँ। थोड़ा सा ये जो मशरूम घी रोस्ट है ये ले लिया। कड़ी पत्ते आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, और कड़ी पत्ते जैसे हम स्टार्टिंग में तड़के में डालते हैं वैसे नहीं डालना है, जब हम मसाले भून रहे हैं उस टाइम पर आप डालिए, तब एक अलग फ्लेवर आएगा। तो अब चलिए इसे टेस्ट करके बताते हैं। जो मैं आपको कह रहा था कि इमली आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इमली का एक अलग फ्लेवर आता है इसके अंदर। वही अगर आप इसके जगह पे लेमन जूस यूज करते हैं तो लेमन की फ्रेशनेस तो आती है, बट जो एक अलग फ्लेवर प्रोफाइल आ रहा है वो नहीं आता, और खाते एकदम मुंह में पानी और आने लगा है कि मैं अभी रुक नहीं सकता। तो आप भी ऐसी घी रोस्ट बनाइए, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाती है। आपके अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं उनको खिलाने के लिए तो 15-20 मिनट में बन जाएगी फटाफट। ऐसे ही आप भी बनाइए, मुझे बताइए आपका घी रोस्ट कैसा बना था।
कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं ऐसी नए नए इंटरेस्टिंग रेसिपीज आपके लिए लेके आते रहता हूँ। तब तक के लिए बाय, नमस्ते, मिलते हैं ऐसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। और मैं रुक नहीं सकता और खाने के लिए।